अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ईशान स्वागत करता हूं आपका एनजीपी न्यूज़ में। 2019 विधानसभा इलेक्शन की डेट फाइनल होते ही तमाम सियासी पार्टियों में गर्मा गर्मी। इसी गर्मा गर्मी को थोड़ा और गर्माने के लिए हमारे साथ मौजूद है इरशाद शेख, जो कि महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के सेक्रेटरी है और कामटी के कांग्रेस के एक कर्मठ नेता। चलिए जानते हैं आने वाले विधानसभा को लेकर, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो इरशाद जी, स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। शुक्रिया भाई। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इलेक्शन की डेट फाइनल हो गई है, तो कांग्रेस के साइड से इस बार इस क्षेत्र से कौन कैंडिडेट कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाला है? देखिए, अभी 10-12 लोगों ने, जो हमारे कांग्रेस के नेता है कामटी विधानसभा के, 10-12 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किए जी। लेकिन मेरिट में, जैसे पिछली बार भी सुरेश भुयर जी थे, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष है, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था उनका, और जिला परिषद के अध्यक्ष रहते, बहुत अच्छा काम कर रहे उन्होंने जिले में। ना सिर्फ कांग्रेस की ग्राम पंचायत या दूसरे भी, ये जितने भी पंचायत समिति बनी है पूरे जिले में, जिनके रहते हुए बनी, और उनका काम सबसे अच्छा है और वो सबसे सीनियर है। और अभी कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र के महासचिव है, तो उनका पलड़ा अभी सबसे ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। इनकेस अगर ऐसा होता है कि सुरेश भोयर जी को टिकट नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहने वाला है? हम कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है, जो पार्टी डिसाइड करेंगी, जो भी उम्मीदवार रहेगा उसके लिए तन मन धन से हम लोग काम करेंगे जी। तो इरशाद साहब, आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस की क्षेत्र के लिए, या फिर बोला जाए पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए, क्या तैयारियाँ रहने वाली है? देखिए, अभी आप भी सोशल मीडिया पे, अभी यहाँ पर देश का हर बच्चा सोशल मीडिया पे है। बिल्कुल। पिछले 45 साल में जितनी बेरोजगारी अभी ये 6 साल में पैदा हुई जी, उतने 50 साल में नहीं थी, ये सरकारी आंकड़े हैं जी। तो हमारा जो मेन फोकस है, विकास बोले तो नदी नाले सड़कें, ये सब नदी नाले की पुलिया, रोड रस्ते नाली बनाने से विकास नहीं होता है। जब तक हम लोग बेरोजगारी को दूर नहीं करेंगे और एक एक इंसान को रोजगार नहीं दिला सकते, तब तक उसको सही विकास नहीं कहा जा सकता। तो हमारा पहला, और मैं तो कहूँगा कि इससे अच्छा इम्पोर्टेंट मुद्दा कोई है हो ही नहीं सकता, कि किस तरीके से हम लोग रोजगार लाए जी। तो रोजगार के लिए मतलब क्या प्लान है आपके पास? जैसे कुछ, जैसे हमारी हमारी सत्ता यहाँ पर आती है या फिर महाराष्ट्र में हमारी सत्ता बनती है, तो किस लेवल से आप लोग विकास के, किस लेवल से आप जो एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करोगे? देखिए, हम कामठी से, मैं अपनी कामठी की बात बताता हूँ आप जी। पिछले 15 सालों से यहाँ के जो आमदार है जी, जो रोजगार देना, एक भी यहाँ पर कारखाना नया नहीं, ना फैक्ट्री लगी, ना कुछ लगा यहाँ पर। तो हम नीचे से काश्तकारों से, जो जैसे कि एक नीचे से इनकी धान को लेके जो इनकी रुपाई करते, सही दाम नहीं मिल पाता है, उसके लिए हम लोग बड़े बड़े जो सेफ हाउसेस बना के, उससे भी रोजगार पैदा हो सकता है। और किस तरीके से हम लोग नई फैक्ट्री यहाँ पर ला सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत, जैसे यहाँ कोल माइंस है जी, यहाँ से कोयला निकलता है जी, और वो बाहर जाता है। तो हम लोग इस तरीके से क्या विकास, क्या लोगों को रोजगार दे सकेंगे, हम लोग यहाँ पर एक नया शेड्यूल बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों से राय लेके, अभी हमारा उस पर काम चल रहा है। हमारा अभी जो घोषणा पत्र है वो आया नहीं है जी। घोषणा पत्र में हम लोग वो सब डालने वाले कि किस तरीके से हम लोग यहाँ रोजगार देंगे, और विधानसभा वाइज हम लोग किस तरीके से लोगों को रोजगार दे पाएंगे, हम लोग आपको ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन उसके लिए काम जारी है। और हम लोग जो कांग्रेस पार्टी के नेता लोग हैं जी, वो नहीं बनाते हुए इस बार नया कांग्रेस ने एक सिस्टम लाई है कि आम जनता से पूछ के हम लोग अपना घोषणा पत्र बना रहे हैं, उसके माध्यम से आपको उसके बारे में तफसील से जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आपने बताया, पिछले सालों से जो यहाँ पे विधायक है, किसी किस्म का एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ वर्क देखने में नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पिछले 3 इलेक्शन हुए, जो 15 साल से कांग्रेस की एक बार भी कोई सीट जीतकर नहीं आई, तो मतलब ये कांग्रेस पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, तो ये इसकी क्या वजह है कांग्रेस के पिछड़ेपन की? कांग्रेस की पिछड़ने की वजह तो मेरे 15 साल में मैं भी काम कर रहा हूँ यहाँ पर इस क्षेत्र में जी, कांग्रेस के जो निर्णय हुए, जो कैंडिडेट दिए गए, वो इस क्षेत्र के बाहर के दिए गए, जो यहाँ के, अच्छा, यहाँ पर 343 गाँव है जी, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, 430 के करीब यहाँ बूथ है, 4.5 लाख वोट है जी। उस हिसाब से यहाँ पर जो लोकल कैंडिडेट है वो होना चाहिए था जी। आप देखिए, पहली बार सुलेखा ताई जी उनसे हारी, बानकुड़े जी के बाद जी, सुनीता गावंडी जी को हमने दिए कैंडिडेट, बहुत लेट डिसाइड करे, बहुत लेट वो आए, जिसकी वजह से हम पिछड़ गए। पिछली बार भी
जो यहाँ पर राजेंद्र मुड़क जी आए वो 10 दिन पहले आए जी, 10-11 दिन पहले आए, उससे फर्क पड़ता है जी। 343 गांव 10 दिन में आप नहीं घूम सकते, आपको लोग पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, तब जाके आपके तरफ लोग वोट देंगे। अभी ये गलती सुधार के जी, अगर यहाँ के स्थानीय उम्मीदवारों को कैंडिडेट देंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको, इसके सुधार के लिए आप लोग जो, मतलब जो पिछले 3 बार से हो रहा है वो इस बार ना हो, इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? हमने डेपुटेशन दी है, पूरे पदाधिकारियों को जमा करके मुकुल जी वासनिक हमारे जो नेता हैं यहाँ के उनसे मिले, और सभी नेताओं को हमने बोले और उन लोगों ने हमारी बात मानी भी, इसलिए अभी जो CVC की मीटिंग में सुरेश भोयर जी का नाम सबसे आगे है जी, जो कि हमारे स्थानीय कैंडिडेट है। बिल्कुल। और अभी इस बार हमारे को लगता है कि हमारी मेहनत रंग लाएंगी और हमारे को स्थानीय कैंडिडेट मिलेंगे और जो कि उन्हें टफ फाइट दे सकेंगे और जीत के भी आएंगे जी। इरशाद जी, जैसे कि पिछले 3 बार से बावनकुले जी यहाँ से जीत कर आ रहे हैं और इस बार भी बावनकुले जी इस बार 1 लाख पार के नारे से वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जो 1 लाख पार का जो नारा है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जो 15 लाख का नारा है मैं उसी नारे से देखता हूँ इसको। जैसे कि देखने में आया है कि BJP एक रूलिंग पार्टी है, पिछले इलेक्शन से अब तक महाराष्ट्र लेवल की अगर बात करें तो कांग्रेस एज अ विपक्ष किसी मुद्दों पर खुलकर नहीं आ रही है। देखिए कांग्रेस हर मुद्दों पर खुल के आ रही है, लेकिन आपने देखिए मीडिया का हाल क्या हो चुका है। अब आम इंसान से भी एक जो लड़का न्यूज़ देखता भी नहीं होता, कभी न्यूज़ देखेगा तो ऐसा बोलेगा ये लोग किस तरीके से डिबेट कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक तरीके से बिक चुका है जी। तो वो हमारी जो बातें हैं, हमारे जो आंदोलन है, हमारे जो सड़कों पर उतर के हम लोग काम कर रहे हैं वो दिखा नहीं पा रहे बराबर। अगर सही वो दिखाए, मीडिया का काम होता है विपक्ष की भूमिका अदा करना, वो पक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। अगर वो विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे तो हमारे काम भी दिखेंगे और जनता की, आज देश की जो हालत है वो भी सुधरेंगी। रिजर्व पैसा निकालना पड़ रहा है केंद्रीय सरकार को रिजर्व बैंक से, आज तक के इतिहास में कभी नहीं निकाला गया ये। आप देख सकते हैं कि मंदी की चपेट में हम आ चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान आ चुका है। हमारी GDP जो 8% थी कांग्रेस के ज़माने में अभी 5% पे है। तो ये जिस, ये जो झूठ की राजनीति चल रही है इसकी वजह से ये हाल है हमारा। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार में कटौती हो रही सरकारी। आप अच्छे से जानते होंगे, रोज मीडिया में ये आती ही रहता है कि आज पेपर में उठा के देख लो, रोज के पेपर में उठा के देखो मारुति का कब से काम बंद है, मारुति कंपनी का, पार्ले जी बिस्किट की कंपनी है जो बिस्किट नहीं खा रहे लोग उसका काम बंद है। तो देख लीजिए आप देश किस रास्ते पे जा है अभी और कांग्रेस के टाइम पे किस रास्ते पे था। इरशाद जी, जिस तरह से कांग्रेस जो कि MIM को एक BJP की बी टीम के नाम से रिप्रेजेंट करती है, मगर अभी देखने में ऐसा आ रहा है कि मतलब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बोला जाए या फिर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो कि पूरा का पूरा ग्राम पंचायत जो कि BJP ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें कांग्रेस BJP की भी टीम ऐसा नज़र आ रही है कि आपको, या फिर जो आप लोग बोलते हो कि MIM BJP की भी टीम है, तो MIM के नेता कांग्रेस में ना जाते हुए कांग्रेस के नेता BJP में जा रहे हैं? देखिए जो मौका परस्त लोग हैं वो कहीं पर भी जा सकते हैं कहीं से भी, उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो बोलना कि कांग्रेस BJP की बी टीम है तो सरासर नाइंसाफ़ी होंगी, क्योंकि आप देखिए जालना हो गया, ये अपना मालेगांव हो गया, यहाँ पर भी कांग्रेस के लोग MIM चले गए, तो क्या कांग्रेस MIM कांग्रेस की बी टीम कहलाएंगी क्या इस विषय पे? ये जो स्वार्थी लोग रहते वो कहीं पर भी संतुष्ट नहीं हो सकते, वो कहीं से भी कहीं पर भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं सोचता कि ये कांग्रेस BJP की बी टीम है इस विषय पे। इरशाद जी, जैसा कि पिछले 3 बार से श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी यहाँ से जीत कर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको उनके ये 15 साल के कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने लोगों ने उनको चुनकर लाया है, वो अपने विकास कार्यों को लेकर या दूसरे और भी कार्यों को लेकर इस क्षेत्र में खड़े उतरे हैं क्या? देखिए वो 3 बार जो चुन के आए कांग्रेस की गलतियों की वजह से चुन के आए। अच्छा, 3 बार में उनने क्या काम किए यहाँ पर आप मुझे बताइए। जब मुकुल वासनी जी केंद्रीय मिनिस्टर थे, खासदार थे, तब कोराड़ी पावर प्लांट आया, तब मौदा पावर प्लांट आया, और ये कांग्रेस के रीजन में आया। जब कांग्रेस की सरकार आई है 6-5 साल से पालक मंत्री है, तो इन लोगों, इनने क्या लाए यहाँ पर? जब इनकी सत्ता आई, पिछले 5 साल से इनकी सत्ता है, तो एक भी मुझे उद्योग बता दीजिए जो इनने लाए होंगे। उल्टा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रब्बानी ग्राउंड था जी, जिसको हम लोग खेले कूदे, रब्बानी ग्राउंड जिसको बोलते हैं, अब वो आर्मी ग्राउंड कहलाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर स्थानीय लोगों को खेलने के लिए एक भी ग्राउंड नहीं है यहाँ पर जो उनने बनाए होंगे। मेरा एक बहुत सादा सिंपल सी बात है, पिछली बार मैंने देखा था यहाँ पर बैनर लगे थे, उनके बैनर लगे थे कि फुटबॉल का स्टेडियम बनाएंगे कामटी में,
कहाँ हुआ वो, उल्टा हमारे को यहाँ से बाहर निकाल दिया, यहाँ के फुटबॉल की जो समस्या है। कामठी को फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है और कामठी में एक भी फुटबॉल नहीं, इतनी बड़ी जगह है, आप दूसरे दूसरे काम के लिए, दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए दे रहे हो, हजारों एकड़ जमीन दे रहे हो और वहाँ पर एक फुटबॉल नहीं बन रहा है। बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ा निकम्मापन है बीजेपी सरकार का ये, कि जिस शहर में जो यहाँ की पहचान है और आप वो पहचान को मिटाना चाहते हैं। जब यहाँ पर मुकुल वासनिक जी यहाँ से जब जीत कर आए थे तो उनके दौर में उनकी क्या उपलब्धियाँ, क्या कार्यकाल ऐसा मतलब उन्होंने किया, मतलब उसके बारे में। देखिए, जब मुकुल जी चुन के आए, उनकी शख्सियत इतनी बड़ी कि वो ज़्यादा समय नहीं रहे, लेकिन उनने फंड इतना लाए, घोसी खुर्द प्रकलन जो था कोई फंड नहीं ला रहा, कई हजार करोड़ का फंड लाए उनने, दो दो फोर लाइन बनी यहाँ पर, छिंदवाड़ा की फोर लाइन उनके रहते हुए सीपी जोशी साहब परिवहन यानी सड़क मंत्री थे, उनने मौदा का भी उद्घाटन किए थे और ये भी करे थे, तुरंत में बन के तैयार हुए फोर लाइन जो जो बनी है। कोरारी पावर प्लांट, मौदा पावर प्लांट उन्होंने लाए, उनका कद का वो कमाल था कि ये सब हमारे को मिले। जबकि आप पिछले 5 साल से देखो इनकी सरकार, इनने क्या लाया, एक भी कारखाना बता दीजिए मुझे जो इनने लाए होंगे कि जिसको रोजगार मिला होगा यहाँ पर। इरशाद जी, जैसा कि बावनकुले साहब का कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो लोगों ने काफ़ी काम किया है, जैसे कि कुछ समय पहले काफ़ी बड़ी यहाँ पर शिविर लगाई गई जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी, स्थानीय लोग साथ ही साथ आसपास के गांव के लोगों को काफ़ी उससे लाभ हुआ। और हाल ही में मैंने पेपर में पढ़ा था कि अपना उपजिला जो रुग्णालय है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो जो जहाँ पर आज 25-30 बेड का जो हॉस्पिटल था वो आज बढ़कर 100 हॉस्पिटल का बेड में वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ चलिए, अभी कुछ मैं फेसबुक के लाइव के माध्यम से इस मुद्दे पे मैंने आम जनता से बात भी की वहाँ पर। अच्छा, 25-30 बेड का वो हॉस्पिटल है, सबसे ज़्यादा ओपीडी है वहाँ पर, नागपुर ग्रामीण कामठी ग्रामीण का वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ की सहूलियत यानी इतने बद इंतज़ामी है वहाँ पर कि आप जाओगे तो 8 डॉक्टर की वहाँ पर जगह है, 3 डॉक्टर है वहाँ पर अभी, वहाँ ना नर्स रहती है एट ए टाइम, ना कुछ रहता है, वहाँ पर पेशेंट चिल्लाते रहते हैं। इस मुद्दे पे हम लोगों ने आंदोलन भी की है। आप 30 बेड को तो संभाल नहीं पा रहे और 100 बेड का हॉस्पिटल ला रहे, ये सब चुनावी जुमले है, 15 लाख के जो जुमले है उसी की तरीके से ये सब जुमले चालू हो रहे। आप वो पहले जो छोटा सा हॉस्पिटल है उसको सुधारिए, वहाँ पर पहले आप लोग हर चीज़ हर तरीके की वहाँ पर सहूलत मुहैया कराइए, उसके बाद आप 100 बेड का सपना दिखाइए। यानी आप सिर्फ मुंह से बोल देते कि अभी 100 बेड का हो गया, अरे पहले आप वहाँ पर मूलभूत जो सुविधा है वो तो उपलब्ध कराइए। वहाँ पर जब प्रेग्नेंट के लिए प्रेग्नेंट महिला आती है प्रसूति के लिए, लेकिन उसको जो यानी बच्चों के लिए जो आती है वहाँ पर महिलाएं, उसको रिफर किया जाता है डागा में या नागपुर में, यानी वहाँ पर बच्चे यानी वो कराने की स्थिति में नहीं है वो लोग, दूसरे हॉस्पिटल रिफर करना पड़ता है वहाँ पर। कभी भी वहाँ पर अगर कोई महिला आई, गर्भवती महिला आई, उसको नागपुर रेफर कराया जाता है। यानी आप कौन सा विकास की बात कर रहे हो, आप कौन से उपचार की बात कर रहे हो आप, जब आप अपने कामठी के इतना बड़ा रुग्णालय मूलभूत सुविधाओं से आप वंचित है, आप किस विकास की बात कर रहे हो? 15 साल में आपने क्या किया मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। एक छोटा सा हॉस्पिटल नियमित नहीं कर पाए कि गरीब आके वहाँ पर अपनी इलाज करा सके जिसके पास पैसे नहीं है। आपने देखे अभी रनाड़ा में एक इंसिडेंस हुआ, एक माँ ने अपने 3 महीने की बच्ची को मारी। सुनील केदार साहब उस दिन आए थे उससे, यानी हम लोग मिलने गए उससे, उनसे पूछे कि आपकी क्या क्या कंडीशन थी कि आपने अपने बच्चे को मारे, कि कोई तो माँ अपने बच्चे को मार नहीं सकती 3 महीने के। हमने उससे पूछा, उसने कही कि मैं इलाज नहीं करा पा रही थी अपने बच्चे का। अब इससे ज़्यादा विडम्बना क्या होंगी यहाँ पर, कि इलाज के अभाव में एक माँ अपने बच्चे का कत्ल कर दे रही है। तो ऐसे आमदार को तो बदलने की ज़रूरत है, और इस बार कांग्रेस ऐसे कैंडिडेट को बदलेंगी जिसके माध्यम से हम इस आमदार को हराएंगे और नया कैंडिडेट यहाँ पर चुन के आएगा। ईशा जी, सड़कों और ये रास्तों को लेकर भी मतलब काफ़ी विकास कर रहे देखने मिला है कि मतलब आज जो अपना नागपुर जाने वाला जो रोड है, कनान से नागपुर तक के पूरा 4-वे रोड बनाया जा रहा है, और अपना कामठी से खापरखेड़ा साइड जाने के लिए वो एक रास्ता बनाया गया, भंडारा रोड को मिलाने के लिए एक रास्ता बनाया गया, तो इन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हो? देखिए, पिछले 5 साल से काम चालू है, अभी भी काम अधूरे है, यहाँ पर कितने लोगों को परेशानी हो रही है वो देखिए आप। और आप यही रोड क्यों लेते हो? अभी हमने इससे पहले कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहे थे, फेसबुक लाइव के माध्यम से भी हम लोग आए थे, ये जो अपना घोरपड़ से जो वो शिरपुर जाने के लिए जो रास्ता है, 10 करोड़ की लागत से वो रोड बना हुआ जी। आप जाके देखिए वहाँ पर 6 महीने में वो उखड़ गया, यानी किस तरीके की
खराब क्वालिटी का काम हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए आप जी। मैं बताना चाहता, काम करिए ना आप, लेकिन काम ये लोग लेते हैं। ये बहुत बड़े एक घोटाले की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। कई गुना बिलों में काम लिया जाता है वाइट पैसे को, ब्लैक पैसे को वाइट करने के लिए जी। और आप जाके देखो 6 महीने में किस तरीके से रोड की हालत है, लोग कितने परेशान हैं। तो इस तरीके का तो काम नहीं होना चाहिए। काम कर रहे हो तो अच्छे से करना चाहिए। और वो कंपनी भी आमदार साहब के बहुत करीबी की है, मैं तो आप जा चेक करेंगे तो पता चलेगा किसकी अच्छा। है। लेकिन जो काम हो रहा है, अगर सरकार आपकी है तो आप किसी भी तरीके से काम करोगे कि जनता का पैसा है वो जी। एक हम लोग टैक्स भरते हैं, बहुत मेहनत का टैक्स पैसा है वो, तो उस तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। आप लीपा पोती करके अपने घर भर रहे, ये जनता सब कुछ देख रही है, इसका जवाब आपको आने वाले इलेक्शन में मिलेगा। ये जो अभी शारदा चौक से कनान तक का जो 4 लाइन 256 करोड़ का जो 4 लाइन था जी, इसको 2 साल की मियाद में पूरा करना था इनको जी। अभी कितने साल हो गए अभी डिसाइड कर लीजिए। और वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। अच्छा, जो KCC कंपनी है ब्लैक लिस्टेड है। और उनका काम देख लीजिए आप, ज़्यादा दूर मत जाइए। ये जो अभी वारेगांव याला जो रास्ता बन रहा, उसकी क्वालिटी देखिए और इसकी क्वालिटी देखिए। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ज़्यादा परसेंटेज लेने के लिए आगे नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने लाए। और ऊपर से सेमी कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कॉन्ट्रेक्टरशिप में पैसे काम बांट दिया गया है वो। तो आप देखिए काम किस, एक गट्टू जो फिट कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का फिट कर रहे हैं, किस तरीके का फिट कर रहे हैं। हर चीज़ में भ्रष्टाचार है ऐसी कंपनी पे, तो ब्लैक लिस्ट का जो यहाँ पर लाना नहीं चाहिए अगर ब्लैक लिस्ट कंपनी थी। फिर भी पैसे कमाने के लिए बीजेपी वाले क्या करेंगी, ये सरकार कितने हद तक गिरेंगी, कितने नीचे तक गिरेंगी, हम कह नहीं सकते। अभी ये रोड के माध्यम से आप कितना भ्रष्टाचार हुआ आप पता कर सकते हैं। तो ये थे इरशाद शेख, जो कि काफ़ी बिजी शेड्यूल में से हमें अपना वक्त दिए। काफ़ी समय से हमारा इनका इंटरव्यू का प्लान चल रहा था मगर हो नहीं पा रहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने थोड़ा सा वक्त दिया हमको। दर्शकों, आप जुड़े रहिए NGP न्यूज़ के साथ। इसी तरह के और भी इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब पर NGP न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर भी हमें आप लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की और भी अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।